हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें डिस्कस किया था ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज की क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता कैसे, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम इन डिटेल। तो देखिए फ्रेंड्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस का सिंपली मेन है फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूसली चेंज ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं फ्रेंड्स, तो जैसे ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, अब इस पे कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, कभी आपने देखा होगा कोई एक कॉन्टिनेंट है वो टूट रहा है, अभी इतना जल्दी चेंजेस नहीं आते बट बहुत लंबा टाइम लगता है, 100 ऑफ ईयर के बाद कभी कभी कॉन्टिनेंट की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, कभी एक कॉन्टिनेंट टूट के दो भी बन सकते हैं, कभी दो मिलके एक बन जाते हैं। तो अगर आप बहुत जल्दी देखो, आप एक्सपीरियंस करोगे कि आज से 20 साल पहले जो हाइट थी माउंट एवरेस्ट की, उससे बढ़ के लगभग 0.46 सेंटीमीटर हाइट बढ़ चुकी है। यानी कि आज से जितनी 20 साल पहले से, उससे हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है हिमालयन माउंटेन की। ऐसे कुछ माउंटेन ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके, जैसे ये मैं मान लेता हूँ सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब अर्थ सरफेस पे क्या है, अलग अलग माउंटेन्स हैं। ठीक है, प्लेटूस हैं, प्लेटू के अलावा क्या है, प्लेन्स हैं। ठीक है, रिवर्स हैं। अब आपने अर्थ पे देखा होगा कि कभी क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। आप अगर एक्सपीरियंस करोगे तो जहाँ पे आप बचपन में रहते थे जिस रीजन में, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके होंगे आज तक। ठीक है, मतलब 15-20 साल में जिस लैंड सरफेस पे आप रह रहे थे, जो आपके घर के आसपास या किसी रीजन में आपने विजिट किया था, तो अगर आप 20 साल बाद दोबारा जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें चेंजेस मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे वहाँ पर, बहुत सारी अर्थ सरफेस चेंज हुआ होगा। कहीं हो सकता है नदी पहले थोड़ी इधर से बह रही थी, अभी इधर से बह रही हो सकता है वहाँ पे कुछ रोड्स बन गई हो, और जैसे पहले प्लेन रीजन था वैसे अब बना रहा हो सकता है पहले जैसे कोई खाई थी अभी उसको फिल कर लिया गया हो। तो यानी कि अर्थ सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर हम 10-15-20 साल यानी थोड़े लॉन्ग टाइम की बात करें, तो अर्थ सरफेस पे जैसा पहले था वैसा नहीं रहता, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। कहीं पे क्या होगा, जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ पे हो सकता है लैंडस्लाइड हो जाए, हो सकता है यहाँ से हमने क्या किया, रोड या कोई रेलवे कंस्ट्रक्शन कर लिए या कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो जैसा हम बचपन में देखते थे वैसा अभी नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी कुछ क्या करती है, नदी पहले कहीं और से चल रही होती थी और उसने पाथ चेंज करके कहीं और से चल गई। कोई माउंटेन हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा था और 30-40 साल बाद उसकी थोड़ी सी जो हाइट है वो डिक्रीज हो गई हो। कुछ माउंटेन ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी हाइट पहले कम थी अब बढ़ गई हो। कुछ ऐसे प्लेटू हो सकते हैं जिनकी पहले हाइट कम थी अब बढ़ गई हो। तो ऐसे क्या है, हमारी अर्थ सरफेस पे फ्रेंड्स जो चेंजेस हैं वो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, ये आते हैं दो फोर्सेस की वजह से। एक इंटरनल फोर्सेस जिनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं स्टूडेंट्स जो अर्थ सरफेस पे बाहर से लगती हैं, आउटर साइड से, यानी हमारी पृथ्वी पे आउटर साइड से जो भी फोर्सेस लगती हैं, जैसे सन की फोर्स हो गई, ठीक है, मून की फोर्स हो गई, विंड की फोर्स हो गई, रेनफॉल की फोर्स हो गई, यानी कि जो आउटर साइड से बाहर वाली साइड से फोर्सेस लगेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस। और कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एंडोजेनिक, अर्थ के अंदर से अर्थ सरफेस पे लगती हैं, इंटरनल साइड ऑफ अर्थ फोर्सेस इंपैक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, इनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अब इन दो डिफरेंट फोर्सेस की वजह से हमारे लैंड सरफेस पे डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, इसी को हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में देखते हैं ये लैंड फॉर्म में या हम बोलें लैंड में जो सरफेस ऑफ अर्थ पे चेंजेस आते रहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। कभी हो सकता है नदी, यानी कि आप एक्सपीरियंस करोगे तो जो चीज़, जो लैंड स्ट्रक्चर आपने आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले देखा था वैसा नहीं होगा। ठीक है,
हो सकता है नदी का रास्ता चेंज हो सकता है, जहाँ से प्लेन रीजन था वहाँ से काट दिए हो, अभी वहाँ पे थोड़ा चढ़ाई तराई हो गई हो सकता है वहाँ जहाँ पे पहले खाई थी वहाँ पे अभी प्लान हो गया हो, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे। अब ये अलग अलग फोर्सेस की वजह से होते हैं, उन फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो तरह से जियोमार्फिक प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने बता दिया, एक एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो है दिस इज अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के अंदर से नीचे से लगे, ठीक है, अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस यहाँ पे लगे और इससे हमारे अर्थ सरफेस पे कुछ चेंजेस आए, इसको हम बोलते हैं इनको एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फ्रेंड्स फोर्सेस हैं जो हमारी अर्थ सरफेस पे, ठीक है, अर्थ सरफेस पे बाहर से कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, सन की फोर्स हो सकती है, ये मून की हो सकती है, ये रेनफॉल की हो सकती है, ये विंड की हो सकती है, ऐसी कोई भी फोर्सेस जो हमारे अर्थ सरफेस पे बाहर से लगे, कुछ भी कोई भी किसी भी तरह की फोर्स, उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अब बेटा जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये भी दो डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है, एक होती है डायस्ट्रोफिज्म और एक होती है सडन मूवमेंट, ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट। डायस्ट्रोफिज्म का अगर आप इजी लैंग्वेज में बोलो तो स्लो मूवमेंट भी बोल सकते हो, स्लोली मूवमेंट या स्लो मूवमेंट, ठीक है। ऐसे लैंडफॉर्म्स जो इंटरनल फोर्सेस से बने, जो अर्थ के अंदर से फोर्सेस लगे अर्थ सरफेस पे, उससे अगर आस्ता आस्ता बने, बहुत स्लो मूवमेंट हो, बहुत आराम से, यानी कि 20 साल, 50 साल, 100 साल में जाके इसमें कुछ चेंजेस आए, तो इसको हम बोलते हैं स्लो मूवमेंट या डायस्ट्रोफिज्म। तो ये जो वर्ड है इसको याद रखना, डायस्ट्रोफिज्म का क्या मतलब होता है, स्लोली मूवमेंट के थ्रू जब अर्थ सरफेस पे कुछ चेंजेस आते हैं बहुत आराम से, 100 ऑफ ईयर या 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं हमें वो चेंजेस दिखने में। अब कुछ होते हैं सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में क्या होता है बेटा, कि जो ऐसे एकदम से, मतलब पहले हो सकता है कल वो अर्थ सरफेस या वो जो लैंड एरिया था वो अलग टाइप का हो, और दूसरे दिन जब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप देखो तो वो पूरा चेंज हो गया हो, ठीक है, उस पर चेंजेस आ गए हो, सडन मूवमेंट, यानी कि 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, या उससे 2 दिन से कम टाइम में अगर कोई हमारे अर्थ सरफेस में चेंजेस आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चेंजेस ड्यू टू सडन मूवमेंट। अब सडन मूवमेंट भी दो तरह से होते हैं, एक तो अर्थक्वेक से, देखो जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, एकदम से क्या होगा, पहले प्लेन एरिया था बिल्कुल ठीक था, अर्थक्वेक आया और बीच में दरारें पड़ गई, या तो लैंडस्लाइड हो जाएगा या मास वेस्टिंग हो जाएगा, तो उससे क्या हो गया, यानी कि जो स्ट्रक्चर पहले था हमारे सरफेस अर्थ सरफेस का, वो अभी नहीं रहा, वो चेंज हो गया, ठीक है। फिर वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, जब वोल्केनोज आते हैं, पहले हो सकता है प्लेन रीजन हो, एकदम से 2-3-4 घंटे वोल्केनो आया और पूरा माउंटेन बन गया, या कोई प्लेटू बन गया, जब पूरा फैल गया, तो उसमें क्या हो गया, जो लैंड सरफेस पहले था जैसा हमारा अर्थ सरफेस पहले था वैसा नहीं, चेंज हो गया, उसमें चेंजेस आ गए, ठीक है, एक न्यू लैंड फॉर्म हो गया, ठीक है, न्यू लैंड फॉर्म बन गया, वोल्केनिक माउंटेन हो सकता है, वो वोल्केनिक प्लेटू हो सकता है, जो वोल्केनिक प्लेन भी हो सकता है, ठीक है, अगर बहुत जो वोल्केनो है वो बहुत ज्यादा शील्ड है तो ये हो गए हमारे सडन मूवमेंट के। अब हम देखते हैं डायस्ट्रोफिज्म मूवमेंट में कितनी तरह से, ये डायस्ट्रोफिज्म मूवमेंट कितनी तरह से होता है। डायस्ट्रोफिज्म मूवमेंट भी बेटा दो तरह से होता है, एक होता है अपीरोजेनिक और एक होता है ओरोजेनिक। अपीरोजेनिक क्या होता है, अपीरोजेनिक होता है फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है और एकदम से इंटरनल फोर्स लगी और हमारा अर्थ सरफेस क्या हो गया, ऊपर आ गया, ठीक है, यानी कि वर्टिकल फोर्स, एकदम से ये फोर्स लगी और थोड़ा सा यहाँ से पार्ट उठ के ऊपर आ गया, माउंटेन जब प्लेटू जैसा बन गया, या तो ये भी हो सकता है कि एकदम से फोर्स लगी और ये पार्ट नीचे धस गया अर्थ का, कोई थोड़ा पार्ट और नीचे खड्डा बन गया पूरा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपीरोजेनिक, ठीक है। ये दो तरह से मूवमेंट होते हैं, एक तो अपवर्ड जैसे मैंने आपको बताया, और एक क्या होगा, डाउनवर्ड, और ये मोस्टली होते हैं बेटा जब क्या अर्थक्वेक वगैरह आएंगे, ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन होंगे। अब ये इंटरनल है बट फास्ट में, ये तेज में आ रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है, बहुत स्लोली मूवमेंट होता है आस्ता आस्ता, तो अगर इसी में स्लोली मूवमेंट होगा इनमें, तो इसको हम बोलेंगे अपीरोजेनिक फोर्सेस। अपीरोजेनिक फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, यानी कि एक कोई जगह का, लैंड का कोई पार्ट एकदम से ऊपर उठ गया या नीचे धस गया पूरा, उसको हम बोलते हैं अपीरोजेनिक। उसके बाद बेटा अगर हम देखें ओरोजेनिक क्या होता है,
अपीरोजेनिक एंड ओरोजेनिक इज अ टाइप ऑफ डायस्ट्रोफिज्म। अब ओरोजेनिक में क्या है, डायस्ट्रोफिज्म क्या है, इंटरनल फोर्सेस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं और स्लोली मूवमेंट के बारे में, डायस्ट्रोफिज्म स्लोली मूवमेंट जो लग रही है। अब यहाँ पे ये भी दो तरह का होता है, ओरोजेनिक इज आल्सो टू टाइप, वन इज टेंशन फोर्स टेंशन एंड सेकंड इज कंप्रेशन। टेंशन क्या होता है, टेंशन होता है बेटा अगर आप कोई भी एक चीज है और उसको आप दो साइड से खींचते हो, ठीक है, टेंशन करते हो, अगर उसको खींचोगे तो क्या आएगी, उसमें टेंशन आएगी, ठीक है, वो खींचेगी, खींच के हो सकता है वो बीच से टूट जाए, ठीक है, टूट के एक पार्ट इधर दो पार्ट में चेंज हो जाए, या तीन में, या फिर एक ही पार्ट रहे तो बहुत ज़्यादा वो खींच लंबी हो जाए, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है आपको एक चीज़ है और इसको दोनों साइड से कंप्रेस कर रहे हो, दोनों साइड से क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, ठीक है, जैसे मेरे पास ये पेन है, अगर इसको मैं दोनों साइड से दबा रहा हूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेशन फोर्स लग रही है इस पर। अगर मैं इसको खींचूंगा दोनों साइड से पकड़ के तो ये क्या करेगा, टेंशन फोर्स लगेगी, यानी कि या तो ये लंबा हो सकता है या टूट के क्या हो जाएगा, दो पार्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस लगती है इनको बोलते हैं ओरोजेनिक। डायस्ट्रोफिज्म की दो टाइप्स हैं, डायस्ट्रोफिज्म इज कॉल्ड स्लोली मूवमेंट, ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक ओरोजेनिक और अपीरोजेनिक। ओरोजेनिक जिसमें लैंड का कोई पार्ट एकदम से ऊपर चला जाए या एकदम से नीचे चला जाए, सॉरी एकदम से नहीं, आस्ता आस्ता स्लोली मूवमेंट से आस्ता आस्ता ऊपर जाए और आस्ता आस्ता नीचे चला जाए तो उसको हम बोलते हैं ओपीरोजेनिक। ओरोजेनिक होता है जब यानी के वर्टिकली फोर्सेस लगे, यहाँ पे थी सॉरी यहाँ वर्टिकल थी, यहाँ पे ऐसी फोर्स जिसमें हम खींचें या तो टेंशन हो या कंप्रेशन हो, ठीक है, यानी हॉरिजेंटल फोर्स लगे, यानी कि या तो हम ऐसे खींच रहे हैं इसको, जो फोर्सेस हॉरिजेंटली लगती हैं उसको हम बोलते हैं ओरोजेनिक, जो फोर्सेस लगती हैं वर्टिकल सॉरी जो फोर्सेस हॉरिजेंटल उनको बोलते हैं हम ओरोजेनिक, जो फोर्सेस वर्टिकल लगते हैं उनको बोलते हैं अपीरोजेनिक, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, अपीरोजेनिक दिस इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्सेस, ओरोजेनिक दिस इज हॉरिजेंटल फोर्सेस, ठीक है, हो सकता है एक साइड खींचा जाए या कंप्रेस किया जाए इसको। तो ये अलग अलग हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे जो फोर्सेस हैं अर्थक्वेक अलग से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनिक करप्शन के बारे में अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद अपीरोजेनिक और ओरोजेनिक इनके बारे में भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस इधर से स्टार्ट करेंगे, पहले हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है जो स्लोली मूवमेंट डायस्ट्रोफिज्म की वजह से होता है, उसके बाद हमें ये अच्छे से इजीली समझ में आएगा और लास्ट पे हम ये पढ़ेंगे। अब देखो बेटा जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस होती क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस मैंने बता दिया जो अर्थ को आउटर साइड से लगती हैं, अर्थ सरफेस पे आउटर साइड से लगे, बाहर से जो भी फोर्सेस लगे, ये फोर्सेस मेनली होती हैं क्या, एक तो वेदरिंग होती है, एक इरोजन होता है। अब इरोजन पे इरोजन डिफरेंट फोर्सेस की वजह से होगा वो देखते हैं कौन कौन सी है, और एक होती है वेदरिंग। वेदरिंग से क्या होता है, देखो जब कोई भी अगर रॉक है, रॉक पे फिजिकल केमिकल जब बायोलॉजिकल तीन तरह की वेदरिंग्स होती है, इनकी वजह से क्या होता है, रॉक टूट के अगर वहीं उसके जो टुकड़े हैं वो टूट के वहीं बिखरे रहते हैं, वहां से दूसरी जगह नहीं शिफ्ट होते तो हम उसको बोलेंगे वेदरिंग। इरोजन में डिफरेंस होता है, देखो वेदरिंग का मतलब है ये एक रॉक है और ये ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेस की वजह से ये क्या करती है, टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, और फ्रैक्चर होके इसके पार्ट यहाँ ही पड़े हैं, यहीं पे हैं, जहाँ पे फ्रैक्चर हुए वहाँ पड़े हैं। इरोजन का मतलब होता है अगर कोई रॉक है, ये फ्रैक्चर हुई और इसके जो पार्ट थे ये टूट के यहाँ शिफ्ट हो गए, कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, ये पार्ट सारे कहाँ आ गए, यहाँ पे, अब इसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे टूटी थी और टूट के यहाँ से इरोड होके यहाँ चली गई, ठीक है, ये कैसा बन जाएगा, ये बनेगा कुछ है? तो ये कुछ बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है, यहाँ से जो इरोड हुए वो सारे कहाँ आ गए, यहाँ पे,
यानी कि एक जगह पे क्या हुआ, पहले फ्रैक्चर हुआ, किसी फोर्सेस की वजह से वो जगह टूटी और टूट के दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, उसको हम बोलते हैं इरोजन, यानी कि वहां पे वो चीज नहीं रही, इरोड हो गई वहां से। और वैदरिंग क्या होता है, बस वहां पे वो एरिया टूट गया, वो रॉक टूट के वहीं पे पड़ी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे वैदरिंग, यानी कि सिर्फ फ्रैक्चर हुई है और वहां पे ही पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये है वैदरिंग और इरोजन में डिफरेंस। अब तो जब ये आउटर फोर्सेस लगती हैं बाहर से, एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो इसकी वजह से क्या होता है, या तो वेदरिंग होती है, रॉक या माउंटेन या कोई भी लैंड मास टूटता है, या तो वो टूट के वहीं पड़ा रहेगा या तो वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वेदरिंग कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। एक होती है फिजिकल वेदरिंग, इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड होती है केमिकल वेदरिंग और थर्ड होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग भी बोला जाता है फिजिकल वेदरिंग को। अब बेटा देखिए इरोजन से क्या होता है, इरोजन कितनी तरह से होता है, इरोजन बता दिया मैंने क्या होता है। इरोजन से, इरोजन होता है तीन चार पांच छह फोर्सेस से। एक तो आइस की फोर्स लगती है, ठीक है, आइस की भी फोर्स लगती है। ठीक है, ग्लेशियर से इरोजन होते हैं, डिपोजिशन होते हैं, इसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, आइस से, आइस की फोर्स लगती है जब स्नोफॉल होता है, जब स्नो एक बहुत बड़ा मास स्नो का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो उससे जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, या इरोजन, या कुछ वहां वो अपने साथ मटेरियल कुछ एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाता है, वो आइस या स्नो, उसको हम बोलते हैं इरोजन बाय आइस। ठीक है, उसके बाद रिवर वाटर से होता है, जब वाटर चलता है, रिवर चलता है, तो क्या करता है, बहुत सारा मटेरियल अपने साथ इरोड करके दूसरी जगह ले जाता है, डिपॉजिट करता है दूसरी जगह जाके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सी के साथ, सी से इरोजन होता है, सी में जब वेव्स चलती हैं, टाइड्स चलती हैं, ठीक है, तो वो जाके जब टकराती हैं कॉर्नर पे, तो वहां पे जो भी रॉक्स वगैरह होंगी, तो उसका क्या होगा, इरोजन होगा। उसके बाद विंड्स के, विंड जब आती है बहुत तेज, आंधी तूफान चलते हैं, तो उससे क्या होता है, रॉक को काटेगी, कोई अगर मिट्टी गट्टा कुछ भी पड़ा हुआ है उसको काट के उठा के दूसरी जगह ले जाएगी, जब वहां से कुदेर देगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरोजन, और दूसरी जगह जहाँ जाके रखेगी उसको बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है, उसके बाद है अंडरग्राउंड वाटर। हाँ, अंडरग्राउंड वाटर से भी क्या होता है, इरोजन होता है। जब वर्षा होती है तो क्या होता है, पानी कुछ तो बह के नदी नालों में चला जाता है, और कुछ क्या करता है, नीचे लीचिंग करके अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। अब वो जो अंडरग्राउंड में जाता है, देखा होगा जैसे जो पानी नदी में जाता है तो वो क्या हो जाता है, मिट्टी मिक्स हो जाती है उसके साथ, फिर नदी में जाता है, तो अंडरग्राउंड वाला साफ सुथरा सुथरा थोड़ा नीचे जाता होगा। ठीक है, जो जहाँ भी जो ऊपर से पानी पड़ेगा, चाहे किसी भी रीजन में होगा, आपने देखा होगा उसमें मिट्टी मिक्स हो जाती है, तो जब नीचे जाता है अंडरग्राउंड वाटर, तो वहाँ वो भी क्या करता है, अपने साथ इरोजन करता है, मिट्टी के कुछ पार्टिकल अपने साथ ले जाता है अंदर। ठीक है, बट नीचे जाके वो वापस क्या होता है, जब उसको रेस्ट मिलती है तो वो प्योरीफाई हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर से भी होता है, कहीं कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर से और बड़े लेवल पे होता है, आगे जब हम अंडरग्राउंड वाटर लैंड फॉर्म्स बाय अंडरग्राउंड वाटर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स या मटेरियल होता है अर्थ में, कि जो पानी के साथ ना सोल्यूशन बन जाता है, जैसे ही वहां वर्षा होगी तो बड़ा सा खड्डा पड़ जाएगा, वो सारा नीचे लीच कर जाएगा मटेरियल, तो ऐसे बनता है, नीचे अंडरग्राउंड गॉर्स बनती है। ठीक है, तो ये सारे किससे होता है, अंडरग्राउंड वाटर से। उसके बाद सिर्फ वाटर से भी होता है, कई बार अंडरग्राउंड वाटर जब रेनफॉल से भी होता है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में, मैंने जो आपको बताया ये सब हो गया है, थोड़ा सा हम इसको इन डिटेल देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ये हमारी अर्थ है, जो इस अर्थ सरफेस पे यानी क्रस्ट पे आउटर साइड से फोर्सेस लगते हैं, इनको बोलते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से यहाँ पे लगती है। अर्थ के अंदर से मोस्टली कौन सी फोर्सेस लगती हैं, लावा की फोर्स लगती है बेटा। ये जो लावा देख रहे हो, मैंने आपको बताया था अर्थ स्ट्रक्चर में मेंटल क्रस्ट, मेंटल और कोर में क्या है, लावा है। ठीक है, या स्टेनोस्फेयर में लावा है। अब ये उबलता हुआ लावा क्या करता है, ये अर्थ को फोर्स करता है। ठीक है, अब इसकी वजह से या तो वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, या तो फिर यहाँ पे क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं, या इसके साथ साथ यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। तो इससे जो ये सारे चीजें हो रही हैं, ये किससे हो रही है, एंडोजेनिक फोर्सेस से।
या लावा की फोर्स है। अब लावा कैसे फोर्स लगाता है, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो जितना भी हमारा इनर कोर है ये किससे है, ये सॉलिड है बेटा, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये क्या है, सॉलिड, ये सॉलिड है। इसके अलावा ये वाला जो है ये क्या है, ये वाला जितना भी रीजन है, दिस रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन जो है ये वाला क्या है, लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड रीजन है यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, लगभग मैं बोलूँ तो 6 से 7 हज़ार डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। अब जो जब क्या होता है, आपने वाटर रखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसे एक बर्तन में वाटर रखा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको वाटर रखा किस पे, एक स्टोव पे या एक गैस पे, ठीक है, चूल्हे पे मैंने पानी रखा, ये उबल रहा है पानी। अब इसमें इसको क्या कर रहा है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है इसको, और हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। अब ये वाटर क्या करेगा, ये उबलेगा, उबलेगा तो ये जो नीचे वाला पानी आपने देखा होगा ये क्या करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इसको हीट मिल गई तो ये क्या करेगा, ऊपर से ये गिरने भी लग जाएगा। अगर गिरेगा नहीं, इतनी हम इसको हीट ना दें कि ये गिरे ना, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पानी जो ठंडा होगा ये वापस ऐसे नीचे आएगा, और नीचे वाला पानी फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो इस साइड भी एक सर्कल बनने लग जाएगा ऐसे करके, और इस साइड भी एक ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इस सर्कल को हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइकिल, यानी कि साइकिल बनते हैं, कन्वेंशनल कन्वेक्शनल साइकिल, ठीक है। अब इसी सेम सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है कहाँ पे, यहाँ पे लावा के लिए। ये एक तरह से स्टोव का काम ही करता है, या एक तरह से बर्नर का काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो अगर यहाँ पे 7000 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 2500 डिग्री टेम्परेचर है, तो कम कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, इस रीजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ। तो ये वाला जो यहाँ पे आसपास जितना भी लावा होगा ये क्या करेगा, ऐसे उबलेगा और ऊपर जाएगा, उबलेगा और ऊपर जाएगा, ऊपर वाला ठंडा है तो वो क्या करेगा, वापस नीचे आएगा। ठंडा क्यों नीचे आता है, देखिए ये एक हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक नेचुरल प्रोसेस है, जो चीज़ ठंडी होती है वो ज़्यादा डेंसर हो जाती है, यानी कि ज़्यादा भारी हो जाती है। जो ज़्यादा गर्म होती है कोई भी चीज़, अगर वो ज़्यादा डेंस थी पहले, मतलब एक सेम चीज़ को अगर आप गर्म करते हो, उसको ज़्यादा हीट पे रखते हो, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो हल्की हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो कोल्ड चीज़ होगी, वही सेम चीज़ होनी चाहिए। तो अगर लावा जो ठंडा है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा डेंसर होगा, यानी कि ठंडा लावा ज़्यादा भारी होगा एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा गर्म लावा होगा। अब गर्म लावा ऊपर उठेगा हल्का होके, और जो ठंडा लावा है वो डेंसर होगा, नीचे आएगा वापस, ठीक है, ये भी गर्म होने के लिए। तो ऐसे साइकिल बनने लगते हैं, ऐसा सिर्फ एक साइड नहीं बनेगा, हर जगह बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है, यहाँ भी बनेगा, फिर यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है, यानी कि हर साइड यहाँ पे कन्वेंशनल साइकिल बनने लगेंगे, ठीक है। अब इन्हीं कन्वेंशनल साइकिल को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइकिल ऑफ लावा, ठीक है, जब मैग्मा, अब इस ये मैग्मा क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ पे पानी उबलेगा तो क्या होगा, अगर हम ऊपर से इसको बंद कर दें, एक ढक्कन रख दें, अगर बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो वो ढक्कन क्या होगा, ढक्कन या तो नीचे गिर जाएगा, या ढक्कन के नीचे से क्या होगा, पानी निकलने जाएगा, या फिर वो ढक्कन क्या करता है, कभी कभी ये मूवमेंट भी करने लगता है ऐसे, जब पानी ऊपर जाएगा तो वो ढक्कन या तो मूवमेंट करके नीचे गिर जाएगा, या मूवमेंट करता रहेगा और पानी उसके नीचे से गिरता रहेगा। सेम यही सिचुएशन होती है यहाँ पे, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, अगर इसको यहाँ से जहाँ से कन्वेंशनल साइकिल बन रहा है, जहाँ से ज़्यादा लावा ऊपर आ रहा है, अगर वहाँ से इसको बहुत पतली या इसको वीक, ठीक है, वीक अर्थ मिल जाए, वीक क्रस्ट मिल जाए, तो ये वहाँ से उस क्रस्ट को तोड़ के ना ब्रेक डाउन करेगा और तोड़ के ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, इसी को हम बोलते हैं वोल्केनो। जब अर्थ या क्रस्ट को कहीं से लावा तोड़ के, जब मैग्मा तोड़ के ऊपर आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं वोल्केनो। और वोल्केनो क्यों आया, क्योंकि कन्वेंशनल साइकिल चल रहा है नीचे मैग्मा का, ड्यू टू हाई हाई टेम्परेचर इन इनर कोर एंड लावा कम ऑन आर्थ सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड वोल्केनिक एरप्शन।
इसी की वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जब अर्थक्वेक पे क्लास लेंगे। और इसी की वजह से क्या है, हमारी अर्थ हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में नेक्स्ट क्लास में, हमारी जो क्रस्ट है वो डिफरेंट प्लेट्स में उसको वो टूटी हुई है, या हम उसको बोलें तो फ्रैक्चर है। तो वो प्लेट्स क्या करती हैं, यानी कि हमारी अर्थ के हमारी जो क्रस्ट है वो कुछ पार्ट में बटी हुई है, और वो पार्ट मूवमेंट करते हैं, कुछ तो एक दूसरे के दूर जाते हैं, कुछ आसपास आते हैं, और कुछ साइड से ऐसे साइड से शेयर करते हुए निकल जाते हैं। तो वो भी किसकी वजह से होते हैं, इसी की वजह से, क्योंकि एक तरह से देख लो ये क्या है, ढक्कन है एक, हमारी क्रस्ट जो है वो किसकी तरह है, ढक्कन की तरह है, और जहाँ मैग्मा है वो ये ढक्कन या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, या तो ये क्या करेगा मूवमेंट करेगा, या तो इस ढक्कन को तोड़ के ऊपर आ जाएगा ये लावा। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है बेटा, किसकी, वाटर वाली और ढक्कन वाली। तो इसको याद रखना कंसेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ, जो हमारी अर्थ है कुछ देखो, अर्थ सरफेस जो है ना वो ऐसे कुछ डिफरेंट पार्ट्स में टूटा हुआ है, ठीक है, फ्रैक्चर है, ये हमें दिखता नहीं, बट ये पेरेंट मटेरियल के साथ बिल्कुल नीचे जगह अगर आप स्टडी करोगे तो ऐसा आपको दिखेगा अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कुछ ये एक पार्ट है, ठीक है, फिर ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो ये अलग अलग जो मतलब हमारी जो क्रस्ट है अर्थ सरफेस है वो डिफरेंट पार्ट में फ्रैक्चर है, और ये पार्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ मैग्मा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कोई हो सकता है इधर आए, कोई इधर जाए, ठीक है, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, तो ये डिफरेंट साइड क्या करते हैं मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस हमें पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बाद डायस्ट्रोफिज्म भी मैंने आपको बता दिया, स्लोली मूवमेंट अगर लाइन टू लाइन देखना चाहते हो तो देख सकते हो, प्रोसेस दैट टेंड टू मूव एलिवेट और बिल्ड अ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। क्या होगा, जैसे ये क्रस्ट है इसका एक एलिवेट होके नीचे चला जाए बहुत स्लोली, तो इसको हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। ऑरोजेनिक प्रोसेस इसकी एक एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ा था, जिसमें टेंशन कंप्रेशन होती है, उसके बाद ओपेरोजेनिक इसकी एक एग्जाम्पल है, वो भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद फीचर ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस अगर देखें तो क्या फीचर्स हैं, सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस आर इन द एंडोजेनिक प्रोसेस दैट मेन फोर्स विच वर्क्स बिहाइंड इट इज एनर्जी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ। ऐसी फोर्स होती है जो अर्थ के अंदर से एनर्जी को क्या करती है, एनर्जी ओरिजिनेट होती है, किसकी वजह से, मैग्मा की वजह से, मैग्मा से जो कन्वेंशियल साइकिल बनता है उससे। द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज द एंडोजेनिक प्रोसेस इज द प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन रेडियो एक्टिविटी एंड द पैरामिडल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है, इन चीजों से ज्यादा क्या होती है फोर्सेज आती है। द डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन द लिथोस्फीयर इज इंड्यूस्ड बाय एनर्जी ड्यू टू द जियोथर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो फ्रॉम अर्थ। क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस देखें तो इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंडोजेनिक प्रोसेस की, वही है डायस्ट्रोफिक हो गया, डायस्ट्रोफिज्म फोर्स इसको स्लोली मूवमेंट बोलते हैं, उसकी अलग अलग टाइप पढ़ ली थी। उसके बाद हमने सडन मूवमेंट में भी देख लिया था क्या क्या होता है, ठीक है, तो सडन मूवमेंट ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस पे भी डिस्कस कर लिया आज, इसमें क्या होता है दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक से वेदरिंग होती है एक से इरोजन होता है। इरोजन किस किस से होता है, विंड से होता है, ग्लेशियर से होता है, उसके साथ साथ ओशियन से होता है और अंडरग्राउंड वाटर से, और वेदरिंग होती है फिजिकल बायोलॉजिकल और केमिकल वेदरिंग। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को देखिए, इस क्लास को भी अच्छे से देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।